नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच लगातार उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर हमलावर हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की सरकार 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। जी हाँ, ये दावा किया जा रहा है संजय राउत की तरफ से। आपको याद होगा कुछ दिन पहले सुप्रिया सुले ने भी एक बयान जारी कर ये कहा था कि 15 से 20 दिनों में दो विस्फोट होंगे, एक दिल्ली में और एक महाराष्ट्र में। ऐसे में लगातार महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बदलाव देखने की उम्मीद जताई जा रही है। अब एकनाथ शिंदे की सरकार गिरेगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। और इस बात पर ये बात आधारित करती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना है एकनाथ शिंदे के 16 विधायकों को लेकर के, यानी कि 16 विधायकों की वैधता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आना बाकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के खिलाफ आता है तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे की सरकार गिर सकती है, ये बात साफ हो चुकी है। ऐसे में लगातार एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुद एकनाथ शिंदे को सीएम पद की कुर्सी उनसे छीन लेगी, ये दावा किया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल इस पूरे मामले पर बड़ा बयान देते हैं। कपिल सिब्बल सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके की सियासत देखने को मिल रही है, एकनाथ शिंदे की कुर्सी जल्द ही जाने वाली है, उन्होंने भी ये दावा कर दिया। ऐसे में लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के, उद्धव ठाकरे और मातोश्री में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे काफी खुश नजर आ रहे हैं, वो ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में जल्द चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में शिवसेना का चुनाव चिन्ह जो है वो उद्धव ठाकरे को दोबारा वापस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखना होगा कि आखिरकार शिवसेना का चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे को मिल पाता है या फिर नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे की कुर्सी इस वक्त काफी खतरे में पड़ी हुई है। दूसरी तरफ अजीत पवार 100% मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक रहे हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि 100% मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। ऐसे में एनसीपी में फूट की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि शरद पवार भारतीय जनता पार्टी से वो संपर्क में हैं। अजीत पवार की भी भारतीय जनता पार्टी में अटकलें लगाई जा रही थी, हालांकि मौखिक रूप से उन्होंने इसका ऐलान नहीं किया, उन्होंने इसको इस पूरे बात को खारिज कर दिया। अजीत पवार ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाने की सोच नहीं रहा हूं, ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा संजय राउत से जब इस पूरे मामले पर सवाल किया गया तो संजय राउत ने कहा कि एनसीपी में क्या चल रहा है उनको नहीं पता है। शरद पवार का बयान भी जो है वो बड़ा चर्चा में है। उन्होंने ये कहा कि एनसीपी आज है कल नहीं रहेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जब 2024 में साथ में मिलकर के चुनाव लड़ने की बात उनसे कही गई तो उन्होंने कहा कि आज एनसीपी है कल नहीं रहेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो शरद पवार के बयान के बाद भी लगातार सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार क्या गिर जाएगी, क्या सीएम पद की कुर्सी छीन ली जाएगी एकनाथ शिंदे से, और भारतीय जनता पार्टी ही इस पूरे मामले पर बड़ी भूमिका निभाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।